हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करेंगे पीजीटी बायोलॉजी 2021 का जो आज पेपर हुआ है उसके सॉल्व के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलरीज इन स्टार फिश इज। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में भी आ चुका है, आपको याद होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पर कैप्चरिंग। ओके, देखिए नंबर टू क्या है यहाँ पर। द फिनोमेना ऑफ ब्रेडी टेली, जब जैसे जो लिविंग फॉसिल्स हैं उसमें क्या है, उसमें भी इवोल्यूशन देख रहे हैं आप, चेंजेस देख रहे हैं, बहुत ही स्लो है। तो इसमें जो नियोसोरेटोडस, ये क्या है, ये भी लिविंग फॉसिल्स, डिप्लोमा मैंने पढ़ाया था। लेटीमेरिया, ये भी मैंने पढ़ाया था। और यहाँ पे स्पिनोडॉन, तो ये क्या है, तीनों लिविंग फॉसिल्स हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे? ऑल ऑफ दी एबव। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे। द हेलोफाइटिक फर्नेस, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए आंसर नंबर सी। ओके, रेंडर मॉस, ये भी पिछले बार क्वेश्चन आया था, इसका नंबर बी है इसका आंसर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर फिफ्थ, इसका आंसर क्या वहाँ पे होगा? साइकेडो फाइटा, आंसर नंबर बी। ओके, चलते नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉलीफ्लावर, कैबेज, और यहाँ क्या लिखा हुआ है पे, नॉलकॉल, ये क्या है, ये सब कितने जनरा है इसमें? तो इसका क्या आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा यहाँ पे ए, वन जनरा यहाँ पे, जो क्या है, ब्रैसिकेसी, आपको पता होगा। देखिए नेक्स्ट क्या यहाँ पे लिखा है, विच ऑफ द एंडोस्पर्म, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे बी। ओके, देखिए नेक्स्ट आंसर नंबर एट, इसका क्या होगा यहाँ पे, इसका होगा ऑल ऑफ दी एबव। अरिथमेटिक मीन्स एवरेज, जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, एक्सेल वगैरह फाइल देखते हैं, तो वहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, समेशन, आपने देखा होगा। और यहाँ पे क्या, सेंट्रल डॉगमा ऑफ डी एन एस आर एन ए, आर एन से प्रोटीन बनेगा, उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। ओके, चलिए देखते नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कैरोलस लिनियस का बाय, ये इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर नंबर होगा सी। देखते हैं नेक्स्ट, ये 12 नंबर, इसका क्या होगा, डाइकोगैमी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरवेलिकुलर सेप्टम इज इनकम्प्लीट। देखिए मैंने आपको ये यूरोमेस्टिक्स में पढ़ाया था, आपको याद होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, यूरोमेस्टिक्स। अब देखिए क्या लिखा है, ट्रिपेनोसोमा, तो यहाँ पे जो लिस्मानिया, जो इसका एक फॉर्म होता है, वो क्या होता है, वो फ्लैजिला उसमें नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ऑक्सो स्पोर्ट, यहाँ पे क्या लिखे, बेसलीरो फाइसी में। ओके, दलित नेक्स्ट का आंसर क्या होगा, इसका आंसर यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर नंबर ए। देखिए यहाँ पे लिखा, विच वन ऑफ द करेक्ट पेयर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो शीशम होता है, डलबर्गी, आपने नाम सुना हो कई बार इसका। अब नेक्स्ट क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, कंटेनिंग ओनली कॉपर, क्योंकि इसमें कॉपर और आयरन दोनों होता है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, 19 नंबर, रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, आपको पता है। यहाँ पे क्या हुआ, विच वन ऑफ द नॉट फॉसिल्स, ये बेसल्ट क्या है, एक रॉक का एक फॉर्म है। अब क्या हुआ, 21 नंबर थे क्या, यहाँ पे एलेंटॉइस, यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा, जो वेस्ट आर स्टोर किस में होता है, एलेंटॉइस में। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, क्या लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे प्लेटियल मेंथिस अनसेगमेंटेड एनेसिलोमेट, आपको मैंने पढ़ाया है। इसमें क्या होना चाहिए, मैकेनिकल, जब मान लीजिए मछली है तो उसमें क्या होना चाहिए, मैकेनिकल, आप हाथ से निकाल सकते हैं उसको मैकेनिकल तरीके से। अब इसका क्या आंसर होगा यहाँ पे, इसका प्रोटीन ऑप्टेन फ्रॉम लार्ज स्केली। देखिए जो सिंगल सेल प्रोटीन है वो किससे, जो एल्गी और फंजाई और बैक्टीरिया से ऑप्टेन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यहाँ पे आंसर नंबर ए। ओके, बिल्कुल सही आंसर इसका यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या होगा, वन्य जीव अधिनियम 1972 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, सिक्स शेड्यूल इसमें है, सिक्स छः अनुसूचियाँ हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कैसे संरक्षण करना है। अगला क्या है यहाँ पे, 27 नंबर, ये इसका आंसर होगा ए। अब देखिए ये ड्यूरिंग, तो यहाँ पे क्या, वंस, ये मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, मैंने कहा था कि ये एग्ज़ाम में, भले सिलेबस में नहीं है पर ये एग्ज़ाम में आएगा, मैंने इसको पढ़ाया, जाके देखिएगा आप, स्वार्मिंग वगैरह मैंने बताया था कैसे। और यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, एस स्ट्रेन। ओके, और यहाँ पे अगला कुकुर बिटा एपिगाइनस फ्लावर। ओके, ये क्या है, टेंडिल्स, आपने टेंडिल्स देखा होगा, तो वो क्या होता है, जहाँ भी इसको लकड़ी मिलती है उस पर चिपक जाता है, तो वो क्या है, एक हेप्टोट्रोपिज्म। देखिए नेक्स्ट इसका भी आंसर क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, आप देखिए कहीं से और से। देखते हैं नेक्स्ट, सीड हैविंग द लॉन्गेस्ट वाइबिलिटी बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे, ल्यूपिनस,
ओके, यहाँ क्या है 3400 नंबर अकॉर्डिंग टू दी। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन आ चुका था देखिए पिछली बार, तो इसका आंसर नंबर सी आपको याद आया होगा देखते ही। ऑफ द फॉलोइंग विच सिस्टोड्स इज, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे टीनिया। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, वन स्पीसीज इनहिबिट, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए आप, इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर यहाँ पे डी। नेक्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, रैंकोसिफेलिया, इसका आंसर होगा 218, आप जानते हो रैंकोसिफेलिया। अब देखिए इसका आंसर नंबर होगा बी। 39 का आंसर क्या होगा, देखिए ये थोड़ा देख लीजिएगा आप। ओके देखते नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ब्रेसी केसी, देखिए क्या लिखा है, द जेनेटिक कोड इज़ कॉल्ड डिजेनरेट कोड बिकॉज, अब क्या है देखिए 64 जो टोटल हम हमारे एमेंट्स कितने 20 हैं, उसके लिए 64 कोडॉन्स हैं, तो 20 के लिए 20 होने चाहिए थे, 64 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि एक से अधिक कोडॉन है जो कि अमीनो एसिड के लिए है, तो यहाँ पर क्या होगा मोर देन वन कोडॉन। ओके यहाँ पर क्या हॉर्स शेप एम्फी टॉपस आप जानते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ क्या होगा, आंसर नंबर 20 का होना चाहिए, इसका क्या हाउ मैनी सोमाइट्स, ये मैंने पिछली बार क्वेश्चन आ चुका था, ये पेट क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ क्या है, बोवा कंस्ट्रिक्टर, क्योंकि कोबरा भी होता है, जहरीला करैत भी होता है, और जो वाइपर्स होते हैं वो भी जहरीले होते हैं, तो बोवा कंस्ट्रिक्टर क्या है, एक अजगर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अब देखिए यहाँ पे करेक्टली मैच क्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉटन। ओके इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, चाइनीज़ फूड में बहुत यूज़ होता है ये। अब देखिए अगला क्या है, इसका होना, ये भी क्वेश्चन आ चुका था पिछली बार, तो ये आपने सही किया होगा, ये मैंने बताया था, इसमें क्या है C2 साइकिल। अब 50वें का आंसर क्या होगा, यहाँ पे रोसेला स्पीसीज। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए इसका आंसर क्या होगा, बाई माइक्रोपोर्स, सही से आंसर सी है। अब इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, काइमो ट्रिप्सिनोजन, बिल्कुल सही आंसर है ये भी। 53वें क्या होगा, यहाँ पे ड्रेसिना। ओके और इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर ए। ओके चलते नेक्स्ट, तो क्या है यहाँ पर लिखा है, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी। लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड इन द सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिसेस, बिल्कुल सही आंसर ये भी है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है चैपरॉल पाए जाते हैं, ठीक, तो किस में पाए जाते हैं, मेडिटेरियन एरियाज में। ओके देखिए नेक्स्ट क्या है, IgM सबसे बड़ा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है इम्यूनोलॉजी का, यहाँ पर क्या है गामा डाइवर्सिटी। चलते नेक्स्ट यहाँ क्या है, इसका आंसर तो कहीं देखिए नहीं मिल रहा है, पर हमारे ख्याल से इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर नंबर सी, आप देख लीजिएगा इसको, ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी बिल्कुल सही आंसर इसका भी है। अब यहाँ पे आंसर क्या है, अब देखिए क्या लिखा है, विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन इन द फीचर ऑफ साइकस, तो देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है, अब देखिए साइकस क्या होता है, साइकस होता है डायोसियस, आपको पता है मेल एंड फीमेल अलग अलग सेपरेट पाए जाते हैं इसमें, और ये क्या है, ये क्वेश्चन विवादित है क्योंकि ये पाया जाता है पाइनस में। ओके देखते हैं इसका विवाद होने वाला है इस पर, क्योंकि दोनों आंसर का सही है बी और डी। देखिए अब ये क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, तो क्या होता है एन टर्मिनल से सी टर्मिनल को चलता है। ओके चलते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर एंड्रोफोर, सी आंसर इसका सही है। क्लीवेज, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, क्या होना चाहिए, होलोप्लास्टिक इक्वल, और इसमें क्या है मिक्स टाइप का, ये बिल्कुल ही सही आंसर इसका भी है। ओके ये देखिए मैंने शॉर्ट जो 2-3 मिनट की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि एनाड्रोमस माइग्रेशन, फिश माइग्रेशन से क्वेश्चन आते हैं PGT में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पे हिल्सा। ओके देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, डोनर टू रिसिपिएंट, इसका आंसर होगा सेक्स डक्शन, यहाँ पे सेक्स फैक्टर की बात करते हैं, F1, F+, F-, ये पढ़ा होगा आपने। चलिए देखते नेक्स्ट, इन प्रोफेज द मियोसिस क्या बताइए, क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, इसका आंसर सही है बी। इसका क्या आंसर, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, आप जानते होंगे, यहाँ का आंसर ए। क्रेबस साइकिल, ये यूरिया साइकिल होती है, और यहाँ पे क्या है, ये आप क्वेश्चन देखिएगा ये, ठीक। देखते हैं 73 का, इसका आंसर क्या है यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे क्या है, ई जेंथिमा। ओके देखते हैं नेक्स्ट,
देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है 74 का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हमें, मैमल माइक्रो लेसिथल एग। ओके, इनफ्यूनेरिया कैलिप्टा, ये भी क्वेश्चन आ चुका था, तो यहाँ पे क्या आर्चिगोनिया। देखिए यहाँ पे क्या है 74 का, ए सेलुलोज, इसका सेंसर सही है यहाँ पे। ये क्या है गैंगेटिक जमुना प्लेन, ये क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे डिटर्जेंट हाइड्रोस्फीयर में होते हैं। ओके चलते नेक्स्ट। देखिए ये बिल्कुल सही आंसर इसका डी है, चाहे कोई कुछ बताए पर इसका सही आंसर डी होगा यहाँ पे। अब क्या है 80 का, यहाँ पे क्या है बी आंसर सही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही आंसर डी है इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज, तो यहाँ पे क्या हुआ है एप्पल स्क्रैप स्कैप, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे काइलोराइजी पाई जाती है, किसे पाई जाती है एस्पेरेगस। तो देखते नेक्स्ट। देखिए पांच क्वेश्चन ऐसे जो रिपीट हो गए हैं बार बार, तो ये क्या है बी, पिछले एग्जाम से इस सब देखेंगे तो एग्जाम रिपीट हुए हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ क्रिटेशियस पीरियड, बिल्कुल सही आंसर इसका ये भी है। अब देखिए यहाँ पे केवल 25 दिन होते हैं, पर अगर हम कंप्लीट देखते हैं कि जब तक पीपा बनता है तब उसमें 10 दिन और जोड़ेंगे, तो कुल मिला के अप्रॉक्स 32 दिन होना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही हमको लगता है। ओके तो यहाँ पे क्या है डाइकॉट रोड, बिल्कुल सही आंसर इसका। और ये क्या है ऑल ऑफ दी अब होना चाहिए यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आ चुका था पिछली बार। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होना चाहिए आंसर नंबर यहाँ पे डी, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पे है डी। ओके देखते नेक्स्ट। प्लेसेंटा कैसा होता है, कोरियोनिक होता है ह्यूमन में, हीमोकोरिल भी होता है, और तो इसका आंसर क्या होना है आंसर नंबर यहाँ पे ए इसका सही आंसर है। ओके बिल्कुल सही आंसर ये, और यहाँ पे क्या है 91 का क्या है यहाँ पे ए। ओके देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो यहाँ पे होगा रोडोफाइसी, सही आंसर बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है रेजिन, इसका आंसर होना चाहिए सही। अब देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे डी, बिल्कुल सही आंसर ये भी है। सबको एक्सप्लेन नहीं करता चल रहा हूँ मैं, इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे आंसर नंबर डी, एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे मैक्रो इवोल्यूशन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे एपोकार्पस क्या है ग्रैमी नी, 98 का यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे वेंटल। ओके देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या आंसर नंबर सी। ओके मिलाइएगा आप आंसर, ये आप देखिएगा कहीं से। ओके देखते हैं नेक्स्ट, ये क्या है यहाँ पे लिंकेज, इसका सही आंसर है यहाँ पे। ओके देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे ए टेम्परेट फेज, इसका आंसर क्या है रिजॉल्विंग पावर, बिल्कुल सही आंसर ये भी। और नहीं तो रिंकस डक बिल प्लेटिपस, आपको पता होगा मेल में उसके पैर में क्लॉज में पाए जाते हैं पॉइजन, यहाँ पे क्या है आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। ओके बिल्कुल सही आंसर ये है, ये एग्ज़ाम भी आ चुका था क्या यहाँ पे स्पैग्नम। ओके देखिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, इसका आंसर होगा राइबोसोम्स एंड एमआरएनए, यहाँ पे उसका आंसर होगा फिश, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा यहाँ पे गिल, बिल्कुल सही आंसर है। ओके अब देखिए इसका आंसर क्या है यहाँ पे, इसका आंसर है यहाँ पे डर्मेटोजन ऑफ रूट। ओके बिल्कुल सही आंसर ये भी है। अब देखिए लैक, यहाँ पे ऑल ऑफ दी वेब होना चाहिए, कुछ लोग इसको ये लगा रहे हैं, पर इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है ऑल ऑफ दी वेब। ओके जल्दी नेक्स्ट, 112 का ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर इसका ये है, आप कहीं से मिलाइएगा किसी भी यूट्यूब से या किसी भी चैनल पर मैं बता रहा हूँ उसका सही आंसर यही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये पूछा है किसी से लिए एक्सपर्ट से। देखते नेक्स्ट क्या 113, ये क्या है यहाँ पे डिप्लॉयड। ओके यहाँ पे क्या होना चाहिए रिक्सिया, बिल्कुल सही आंसर इसका ये भी है, यहाँ पे क्या है गिल। ओके क्या यहाँ पे गिल। अब देखिए इसका क्या है ग्रोथ, यहाँ पे क्या है सिम्पोडियल, बिल्कुल सही आंसर ये भी है। चलते नेक्स्ट, देखिए इसका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे लीफलेस, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर है, इसका आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर ये है। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होना चाहिए यहाँ पे सी, इसका भी इसका आंसर यहाँ भी क्या है सी। अब देखिए यहाँ पे क्या है डी इसका आंसर है। अब यहाँ पे क्या है स्ट्रेटिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसका आंसर सही है। ओके देखिए इसका आंसर क्या है यहाँ पे सही है, ऑस्ट्रेलियन जो फ्रॉग होता है ब्रूडिंग फ्रॉग भी कहते हैं इसको, इसको क्या आंसर यहाँ पे बी रियो बेट्रिकस। ओके देखते हैं नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है यहाँ पे बेसिडियोमाइसिटिस बेसिडो माइकोटिना, ये बिल्कुल सही आंसर इसका है। अब देखिए फूड पॉइजनिंग आपको पता है बोटुलिनम टॉक्सिन, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे कैम्ब्रियन पीरियड सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है। ओके तो ये हो गया है, देखिए इसमें से मैंने करीब पाँच क्वेश्चन, लगभग पाँच क्वेश्चन जो मुझे नहीं आ रहे थे
और बाकी जितने मैंने बताए वो लगभग सही इसका आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।